सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ पंजाई तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है ये दो कंपेटिबल न्यूक्लियस uh, एक साथ जब मिलेंगे तब होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें एक मेल होगा और एक फीमेल कुछ पंजाई में क्योंकि वो लोअर लेवल की होती हैं तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं फीमेल को प्लस से और मेल को माइनस से ठीक है तो इसमें ये शायद मैं बता चुकी थी तीन फेज इन्वॉल्व होती हैं फर्स्ट फेज होती है प्लाज्मोगेमी प्लाज्मोगेमी जैस, इस, जैसे इससे नाम से समझ आ रहा है आपको प्लाज्मा का जुड़ना जब दो सेल आपस में एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो उन दोनों के प्रोटोप्लास्ट आपस में मिक्स हो जाते हैं इसको कहते हैं प्लाज्मोगेमी और ये प्लाज्मोगेमी जब होती है तो इन दोनों के दो सेल्स के न्यूक्लियस पास पास आ जाते हैं उसी एक सेल के अंदर इन पेयर ऑफ न्यूक्लिया को कहते हैं डाई कैरियोन यानि कि दो न्यूक्लियस एक साथ डाई माने दो डाई कैरियोन माने हो गया दो न्यूक्लियस एक साथ एक सेल में दो न्यूक्लियस एक साथ होते हैं तो जो फर्स्ट फेज होती है उसमें प्लाज्मोगेमी होती है और न्यूक्लियस आपका डायकेरियोन हो जाता है सेकेंड फेज है आपकी कैरियोगेमी कैरियोन का मतलब होता है एक्चुअली न्यूक्लियस केंद्रक हम्म। तो सेकेंड फेज जैसा कि नाम बता रहा है कैरियोगेमी न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक का आपस में जुड़ना तो ये वाली फेज रिप्रेजेंट की जाती है जब दो न्यूक्लियस प्लाज्मोगेमी में जो एक साथ लाए गए थे वो आपस में जुड़ जाएं फ्यूज हो जाएं जिसकी वजह से एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनता है यानी कि 2n नंबर वाला न्यूक्लियस हो जाता है। थर्ड फेज आपकी रिप्रेजेंट करती है मियोसिस को मियोसिस आप लोगों ने जेनेटिक्स में पढ़ा होगा मियोसिस का मतलब होता है अर्धसूत्री विभाजन अर्धसूत्री विभाजन जहां पर की क्रोमोजोम का नंबर आधा होता है ठीक है जो ये सेकेंड फेज थी वो कुछ टाइम तक ऐसे ही रह सकती है या myosis, सूत्री विभाजन के द्वारा कुछ समय बाद या तुरंत के तुरंत उसमें न्यूक्लियस जो है विभाजित हो जाता है जिससे यहाँ जो डिप्लॉइड न्यूक्लियस हो गया था वहां फिर ये दोबारा से हैप्लॉयड न्यूक्लियस हो जाता है यानी कि क्रोमोसोम नंबर फिर दोबारा से इसके हाफ हो जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से फंजाई में डिफरेंट स्पोर्स बनते हैं जो सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन की वजह से यानी कि मेल फीमेल के कॉम्बिनेशन की वजह से बनते हैं और जो उनकी अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइवल का भी काम करते हैं तो ऐसे को कहते हैं ऊ स्पोर जो ओवाइकोटिना में होता है इकोटिना में होता है एस्को स्पोर एस्कोमाइकोटेना में होता है बेसिडियो स्पोर बेसिडियो माइकोटिना में होता है नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्योंकि फंजाई इतना बड़ा ग्रुप है तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं तो इसमें जो ऑर्गेन्स इन्वॉल्व हैं वो जानना आपके लिए जरूरी है जैसे कि कुछ स्पीशीज़ होती हैं उसमें डिस्टिंक्ट मतलब क्लियर रूप से मेल फीमेल सेक्स ऑर्गेन दिखाई देते हैं और वो एक ही थैलस पे होते हैं ऐसी कंडीशन ऐसे जो स्पीशीज़ होती हैं उनको कहते हैं हार्मो या मोनोशियस, जिसमें कि एक ही थैलस पर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गेन पाए जाए दूसरी स्पीशीज जिसमें कि सेपरेट मेल फीमेल थैलाई होते हैं मतलब कि एक हाइफा एक थैलस जो है आपका मेल होगा एक थैलस आपका फीमेल होगा दोनों अलग अलग पर होंगे तो उसमें उस, उस कंडीशन को कहते हैं डायोसियस जहां पर ड्यूलिंग ड्यूलिंगी शायद इसको हिंदी में ड्यूलिंगी कहते हैं इसको कहते हैं तो उभयलिंगी हर्मा उभयलिंगी उभलिंगी जहां एक ही पर दोनों पाए जाए और जहां थैलस अलग अलग तरीके मेल और फीमेल थैलस अलग अलग हो वो हो जाती है कंडीशन आपकी डायोशियस पंजाई के हैं जनरली गैमिटेंजिया कहलाते हैं और उनसे जो सेक्स सेल बनते हैं उसको गैमिट्स कहते हैं सेक्सुअल फ्यूजन यानी कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पंजाई में मास तरीके का हो सकता है वो आगे हम बता रहे हैं सबसे पहले है आपका प्लेनोगैमिटिक Population. इसको हिंदी में बोलते हैं चल युग्मकी संयुग्मन. तो जो मोटाइल हैं उनको कहा जाता है प्लानोगिट्स प्लानोगिट्स यानी कि चल युग्मक हिंदी में इसको कहते हैं प्लानोगिट्स को चल युग्मक जब ये ये आपस में चल युग्मक में फ्यूजन होता है जिसकी वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है अब इसमें भी तीन कंडीशन है मतलब पांच तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फर्स्ट है आपका कॉपुलेशन, जिसमें कि तीन तरीके से हो सकता है पहला है जब दोनों युग्मक, यानी कि गैमि मोटाइल हो मतलब चलने वाले हों और एक साम, मार्फोलॉजिकली सामने से एक जैसे दिखाई दें तब इस प्रोसेस को कहते हैं आइसोगेमी यानी कि समयुग्मकी एग्जाम्पल है दूसरा टाइप का होता है जब गैमिड्स मोटाइल होते हैं लेकिन वो मार्फोलोजिकली एक दूसरे से विभिन्न दिखाई देते हैं तब उन दोनों में जो फ्यूजन होता है उसको कह, कहते हैं एनाइसो हिंदी में इसको कहते हैं असमयुग्मकी असम awesome. युग्मकी ये होता है एलोमाइसिस यहां पर आप देख रहे हैं ये आइसोगेमी ये दोनों एक जैसे हैं और दोनों मोटाइल हैं एनाइसोगेमी एक छोटा है एक बड़ा है साइज में मतलब मार्फोलॉजिकली डिसिमिलर हो गए तो ये हो गई एनाइसोगेमी लेकिन तीसरे टाइप का जो होता है वो होता है वन गैमिट इज स्मॉलर मेल वाला गैमिट बहुत छोटा होता है और मोटाइल होता है और दूसरा फीमेल जो है लार्जर होता है लेकिन नॉन मोटाइल होता है जो चल नहीं सकता है तो इसमें आप देख रहे हैं एक चल रहा है एक स्थिर है और एक दोनों का मार्फोलॉजिकली भी डिसिमिलर है तो ये पहले वाले में और पहले दूसरे और ती, तीसरे में एकदम डिफरेंस आपको समझ आ गया तब जब इन दोनों में जो फ्यूजन होता है उसको कहते हैं हेट्रोगैमी ठीक है विषम युग्मकी विषम युग्मकी सेकेंड टाइप का आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है गैमिटेंजियल कॉन्टेक्ट इसको कहते हैं युग्मक धानीय है, संपर्क धानीय संपर्क जिसमें युग्मक बनते हैं उस स्ट्रक्चर को कहते हैं गैमिटेंजिया ठीक है एक दूसरे के नजदीक आते हैं ये गैमिटेंजिया और ये देख रहे हैं आप गैमिटेंजिया गैमिटेंजियल कॉन्टेक्ट इसमें ये फीमेल है बड़ा है ये है मेल है फीमेल सेक्स गैमिट को कहते हैं उगोनियम मेल को कहते हैं मेल सॉरी फीमेल गैमिटेंजियम को कहते हैं उगोनियम मेल गैमिटेंजियम को कहते हैं एंथ्रीडियम जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो ये दोनों एक दूसरे के नजदीक आते हैं और इससे ऊगोनियम से सॉरी एंथ्रीडियम से एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब निकलती है जो ऊगोनियम को पंक्चर करके उसमें जो इसका बीज वाला पोषण होता है उस तक चली जाती है और इसका न्यूक्लियस यहां से निकलकर इस ट्यूब के थ्रू फीमेल गैमिटेंजिया में यानी कि ओगोनियम में आ जाता है ठीक है इस कॉन्टेक्ट को भी कहते हैं, ठीक है? ये पाइटोथोरा एल्ब्यूगो एटसेट्रा में इस तरह का उगोमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है और एस्कोमाइसिटीज में एस्कोमाइसिटीज में ये ओगोनियम और एंथ्रीडियम ना होके एस्कोगोनियम होते हैं ठीक है इनका फंक्शनल ग्रुप एस्कोगोनियम होता है नेक्स्ट टाइप का आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है गैमिटेंजियल कॉपुलेशन गैमिटेंजियल कॉपुलेशन को हिंदी में कहते हैं युग्मक धानीय संयुग्मन युग्मक धानीय इसमें गैमिटेंजिया एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं यहाँ आप देख रहे हैं ये गैमिटेंजिया बनता है एक हाइपा पे प्लस का एक हाइपा पे बनता है मा, नेगेटिव माइनस का गैमिटेंजिया ये दोनों एक दूसरे के साथ आते हैं और इनके बीच की वॉल डिजोल्व हो जाती है और एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं थिक थ वॉल्ड स्ट्रक्चर ठीक है और ये अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं दोनों ही अपनी आइडेंटिटी खो के एक बन जाता है इसको कहते हैं जाइकोस्पोर ये कॉमन है जाइकोमाइकोटिना में जिसकी फंगस है म्यूकर राइजोपस एक्सेट्रा स्पर्मेटाइजेशन फोर टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज इस, स्पर्मेटाइजेशन स्पर्मेटाइजेशन को हिंदी में कहते हैं अचल पुमड़ु युग्मन ये हायर पंचाई में जैसे कि पक्सीनिया बेसिडियोमाइसिटीज़ के ग्रुप में में होता है इसमें छोटे सिंगल मतलब एक कोष के स्पोर लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं जिनको की स्परमेशिया कहा जाता है जिनको की स्पर्मेशिया कहा जाता है इसी प्रोसेस को कहते हैं स्परमाइट इस इस स्परमेटाइजेशन इसमें ये स्पर्मेशिया इसमें रिसेप्टिव हाइफा पे ट्रांसफर होता है यानी कि फीमेल पर ट्रांसफर होता है और यहां देख रहे हैं आप यहां से ये जब ये स्पर्मेशिया इस रिसेप्टिव हाइफा के कांटेक्ट में आया तो इन दोनों के बीच की वॉल डिजोल्व हो गई और इसका न्यूक्लियस इसमें ट्रांसफर हो गया तो ये प्रोसेस कहलाता है स्पर्मेटाइजेशन लास्ट वन आपका है सोमेटोगेमी जिसको कहते हैं काय युगमन काय स एसको माइसिटी ग्रुप की फंजाई है अगेरिकस इसमें होता है इसमें दो सेल जैसे नाम को समझ आ रहा है सोमेटिक सेल्स के का फ्यूजन इसमें दो सोमेटिक सेल्स हैं जो आपस में आमने सामने आते हैं जो आमने सामने होते हैं उन दोनों में आपस में जुड़ जाता है और एक ट्यूबलाइट की स्ट्रक्चर बनता है और जो उसमें रिसेप्टिव हाइफा होता है उसकी तरफ ये न्यूक्लियस चला जाता है और ये स्ट्रक्चर आपका हो जाता है आपका डाइकैरियो डायरियोटिक हाइपी और इसी तरह से और हाइफा ऐसे सेल स्ट्रक्चर बनाता चला जाता है इस प्रोसेस को कहते हैं डाइकैरियोटाइजेशन और ये माइसीलम इसी तरह से काफी लंबे टाइम तक जिसमें दो न्यूक्लियस अलग अलग रहते हैं रह सकता है ठीक है